एक सीक्रेट सेंटा टाइम। अब बहुत सारे लोगों को सीक्रेट सेंटा क्या है ये तो मालूम होगा, पर भाई जिन लोगों को ये सीक्रेट सेंटा क्या होता है ये मालूम नहीं है उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो भाई एक पर्सन को एक पर्सन गिफ्ट देता है जिसको ये मालूम नहीं होता कि ये जो गिफ्ट मुझे मिला है वो किसने दिया है। भाई ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर जैसे जैसे आप ये वीडियो देखते जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अब यार इसके लिए हमने क्या किया था, हमने सारे कंटेस्टेंट के नाम की चीट्स बनाई थी और हर एक कंटेस्टेंट को एक एक चीट पिकअप करनी थी। अब जो चीट मैंने पिक की थी उसमें जो नाम था वो था कविता। तो भाई कविता के लिए मुझे गिफ्ट लेना है, तो अब आप लोग देखो कि किसको किसका नाम आया है चीट में। I know, right? Let's see. Hi, go for Secret Santa. मुझे आया है नाम नीरज का and मैं 90% sure उसको क्या देना है। आपको भी अगर जानना होगा and उसका reaction देखने के लिए और सब final amount देखने के लिए please stay tuned. Bye. So hello guys, मुझे चैताली का नाम आया है चीट में। तो अभी मैं और आकाश जा रहा हूँ गिफ्ट लेने। So yeah, bye. Hi, मुझे चीट में ये नाम आया है और अब मैं जा रही हूँ तो गिफ्ट लेने। नमस्कार मेरे दोस्तों, मुझे मेरे वाइफ के नाम पर चीट आया है, उसे मुझे गिफ्ट देना है। तो भाई लोग फाइनली जो गिफ्ट से वो अब अरेंज हो चुके हैं। अब एक एक करके जो अपने मेंबर्स है वो आएंगे, उनका नाम किसी एक गिफ्ट पे लिखा होगा, उनको वो गेस करना है और उनको उनका गिफ्ट मिल जाएगा। तो भाई बहुत ज्यादा मजेदार ये ब्लॉग होने वाला है। तो अब बुलाते हैं अपने सारे मेंबर्स को। तो भाई अब जो फर्स्ट मेंबर जो आने वाला है वो है रैंडम नेम मिलूंगा, वो है चैताली। ओके, तो आपका जहां पे नाम है वो टिक कीजिए। पहले आपको गेस करना है और उसके बाद ही आपको ये गिफ्ट मिलेगा। तब मैं आपको नहीं 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 पहले गेस करना पड़ेगा। तो इजीली हो जाएगा ना, छह लोगों में बराबर हो जाएगा जो छह लोगों में खोलने से पहले। आपको तीन चांस राइट। तो अपने अरे बोला है ना राइट, ठीक है अरे नहीं नाही जर समजा चुकीचं असेल ना तर साईडला ठेवायचं, बरोबर असेल तर ठेवून द्यायचं। चुकीचं असेल चुकीचं असेल तर मग काहीच नाही। ओके 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 जो सेकंड है वो है द वन एंड ओनली ज्योति मावशी। बड़ा गिफ्ट है ये, बड़ा गिफ्ट है ये। तो अब ओके मुझे समझ में आ चुका है ये किसने दिया है। तो अब ये जो गिफ्ट है वो आपको किसने दिया है, आपको क्या लगता है? कविता। कविता अब ये जो गिफ्ट है वो आपको चलो मिल जाएगा, क्रिसमस के दिन किसी को भी नाराज नहीं करेंगे, आपको ये गिफ्ट मिल चुका है। तो ये जो फर्स्ट गेसिंग था वो आपका गलत हो गया, इसकी वजह से अब आपको चांस मिलेगा लास्ट। अब जो थर्ड मेंबर है वो है अरविंद का। वो यहाँ पर क्या लगता है किसने दिया होगा ये गिफ्ट? मुझे तो शक्ल देख के समझ में आ रहा है थोड़ा सा, मुझे कुछ भी मुझे कुछ भी है। मुझे लगता है आकर्षण दिया है
ओके आपका ये जो गेस है वो गलत है, तो इसकी वजह से आपको भी अब चांस मिलेगा सबके बाद में। अब जो फोर्थ मेंबर है वो है नीरज। ये तो कैप है। हाँ क्या लगता है नीरज किसने दिया होगा ये गिफ्ट? मुझे तो चैतन्य लग रही है। ओके चैतन्य क्या ये गिफ्ट आपने दिया है? हाँ। ओके तो ये गिफ्ट आपको मिल जाता है। नाइस वन परफेक्ट गेस। तो भाई अब जो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस सभी के लिए वो यानी कि कविता, इसका टाइम है। न्यूज़पेपर में इधर पिल्लो। बट किसने दिया है? क्या है नहीं गेस करना है, किसने दिया है? क्या वो दिख रहा है? ये एकेश ने दिया है। सो या इट्स ट्रू, ये मैंने दिया है। अब ठीक है तो आपको ये आपका गिफ्ट मिल जाता है, पर अब आप इसको अभी ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरा कहना है, क्योंकि ये मैंने गिफ्ट दिया है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। ओके तो गाइस अभी सभी का हो गया, अब एक ही बचा है चैनल का ओनर मिस्टर एकेश। ओके ये गिफ्ट देते हो राइट? कितने लोगों का गेस करेक्ट आया? मेरा मेरा चार लोगों का। अब बचे दो घंटे। ओहो तो अब आपको किसने गिफ्ट दिया होगा? कविता। कविता ओके कविता। और अब ज्योति मौसी आपको किसने गिफ्ट दिया होगा? ओके तो हम लोग फाइनली सबके गिफ्ट किसने दिया है, किसका है, कौन सा सीक्रेट सांता, ये सब कुछ हो चुका है। तो अब टाइम है तो अब टाइम है गिफ्ट ओपन करने का। ओके सो लेट्स गो, ओपन करने का टाइम आ चुका है। ओह नाइस वन, जो हमने फर्स्ट गणपति बप्पा मोरिया जी इनका तो भाई बहुत ही ज्यादा सही, बहुत सही, मस्त श्री गणेश हो गया। ओके नाइस वन, थैंक यू। सो अब टाइम है सेकंड गिफ्ट ओपन करने का। नाइस फाइल जब फोल्डर, गुड वन, बहुत सही गिफ्ट है। ओह गुड थैंक यू। ओके तो सेकंड गिफ्ट भी ओपन हो चुका है, अब टाइम है नीरज एंड चैताली। क्योंकि वो मॉल में गई थी ना हेमले से, ओ सही नाइस टॉयज बाद में सही है ना। The clever man. तेरी कोई बात नहीं, तूने सही गेस किया। गुड वन। वो तेरे को क्या करना है? ठीक है। ओके तो नीरज ओपन कर दे। अच्छा। नाइस नाइस। ओह दैट्स ग्रेट ब्रो। स्पाइडरमैन। नाइस वन। गुड। मैच भी हो रही है आज। मैच भी हो रही है। अरे बहुत सही। अब टाइम है रैप। अरे अल्टरनेट आए थे। बहुत सही बहुत सही। ये नीरज सिंह है, मैंने उसके हैंडराइटिंग से पहचाना। मेरा हैंडराइटिंग नहीं है। अच्छा गिफ्ट शॉप वालों का। तुम लोगों ने उल्टा क्यों गिफ्ट किया? तुमने क्यों किया है? बहुत सही। पर फिर रैपिंग पेपर
वाह, यहाँ पे गिफ्ट खोलने की कोशिश कामयाब हो चुकी है। नाइस वन। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह दैट्स ग्रेट भाई, बहुत सही बहुत सही। एंड ब्लैक इज माय फेवरेट। ओह नाइस वन। तो थैंक यू। ओके, साउंड इफेक्ट डालने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब टाइम है, तू रुक तू रुक तू रुक तू रुक तू रुक तू रुकने का। तो भाई लोग, कुछ आप बोलना चाहती हो? तो अब सीन क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा सीन हुआ कि अपने जो कैमरामैन है, जो ये कैमरामैन है, उन्होंने शूटिंग ऑन ही नहीं किया था। तो आपको पता चला होगा कि आगे क्या हुआ है। तो अब मैं आपको गिफ्ट दिखा देता हूँ जो मुझे मिले। सो ये है मग, जो भाई लिटरली बहुत ज्यादा सही है। और उसके बाद और ये, तो भाई ये जो गिफ्ट मुझे मिले है वो है मेरी मौसी की तरफ से। तो थैंक यू सो मच। और अब हाय, क्या हो? ओके, तो भाई इनका जो गिफ्ट है वो हम लोग लाइट बर्न करके ओपन करेंगे। सो या ओके, तो लाइट्स ऑफ हो चुकी है और ये है मैडम का गिफ्ट। सो 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 कूल, थैंक यू। ओके, हेलो, प्ले ना करके नहीं मिलते। तो मैंने ये है गिफ्ट जो मिल चुका है कविता साइमन को। और अब यहाँ पे ये था लास्ट गिफ्ट। तो भाई लोग ये था सीक्रेट सेंटा ब्लॉग। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और भाई सबको मेरी क्रिसमस। और अब हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे कूल, बाय।